हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और 300 क्वेश्चंस हम शेक्सपियर के कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विलियम शेक्सपियर के, जो कि TGT, PGT, UGC, NET और भी दूसरे जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं जहां पर विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब से कलेक्ट किए जा चुके हैं। और ये एक ही जगह यूथ पब्लिकेशन की बुक में आप सबको मिल जाएंगे। अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिससे कि आप आगे की अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सके और आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 301 इज कवार डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ ऑफ वंस। इसने कहा है कि जो कायर होते हैं वो अपनी डेथ से पहले कई बार मरते हैं, और जो वैलियंट होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो कभी भी जो टेस्ट है डेथ का, जो टेस्ट है वो कभी नहीं लेते, लेकिन एक बार, ओनली वंस इन देयर लाइफ दे टेस्ट द डेथ। तो ये लाइन्स किसने बोली है और कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ द टेम्पेस्ट, बी इज़ जूलियस सीजर, सी इज़ द मर्चेंट एंड डी इज़ ओथेलो। सो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। सीजर स्पीक्स द अबोव लाइन्स टू कैलिफोर्निया इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। फ्रेंड्स, ये लाइन जूलियस सीजर अपनी वाइफ को एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में बोलते हैं, जब वो उसको बाहर जाने से रोकती है और वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया है कि आपकी डेथ हो सकती है, मीन्स आपके लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है, इसीलिए आप बाहर मत जाइए। तो जूलियस सीजर जो होता है ये लाइन्स उसको बोलता है और वो उसके रोकने से बिल्कुल भी नहीं रुकता और चला जाता है। और नेक्स्ट है, शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564, 1664, 1364. सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड एंड ऑन एवन, वारविकशायर, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैशियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, ये कहता है ब्रूटस कैशियस को कि हमारे स्टार्स में, हमारे ग्रह में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ग्रह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो दिक्कत है, जो फॉल्ट है, वो हमारे अंदर है कि हम अपने आप को कम समझते हैं, कम आंकते हैं। तो ये लाइन वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही लव्स ब्रूटस एंड वॉन्टेड टू सी हिम ऑन द टॉप। क्या वो ब्रूटस से प्यार करता था और उसे टॉप पर देखना चाहता था? ही हेट्स ब्रूटस एंड वॉन्टेड टू किल हिम। क्या वो ब्रूटस से हेट करता था और उसे मारना चाहता था? ही हेट सीजर एंड वॉन्टेड टू किल हिम। क्या वो सीजर से हेट करता था और उसे मारना चाहता था? ऑप्शन डी इज ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वॉन्टेड टू इंसाइट हिम अगेंस्ट सीजर। वो सीजर की जो बढ़ती पावर थी उससे जेलस था, ईर्ष्या करता था और चाहता था कि जो ब्रूटस है वो उसके अगेंस्ट भड़क जाए, इंसाइट करना चाहता था उसको। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा यहाँ पर। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड लाइन 140-41 ऑफ शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, इन विच कैशियस बीइंग जेलस ऑफ जूलियस सीजर ग्रोइंग पावर, वो उसकी ग्रोइंग पावर से जेलस था। In which Cassius, being jealous of Caesar's growing power, is trying to persuade and incite Brutus to kill Caesar. और वो उसे जूलियस सीजर के खिलाफ भड़काना चाहता था, जिससे कि वो उनका साथ दे सके सीजर को मारने में, जो कि बाद में वो करता भी है। नेक्स्ट है, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ्स। तो ये कहता है कि रोमियो एंड जूलियट से ये जो वर्ड्स लिए गए हैं, माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ्स, ये क्यों लिए गए हैं, किस इनका मीनिंग क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज दैट ही मेड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन ए लोन। इसका मतलब है कि क्या वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके पिता से उसने लोन लिया था? दैट समवन वॉज ट्राइंग टू किल हिम, क्या उसे कोई मारना चाहता था? दैट ही लव जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, वो जूलियट से प्यार करता था जो कि एक ऐसे इंसान की लड़की थी जिससे कि उसके फैमिली की दुश्मनी चल रही थी। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर, यहाँ पर यही है, जो जूलियट थी वो उसके जो फैमिली के दुश्मन थे,
एनिमी थे, उनकी डॉटर थी। इन एक्ट फर्स्ट सीन फाइव ऑफ शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट, रोमियो सेज द अबव लाइन, ये लाइन एक्ट फर्स्ट सीन फाइव में रोमियो बोलता है। तो तीन से चार क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। व्हेन ही कम्स टू नो दैट जूलियट इज ए कैपुलेट, जब उसे पता चलता है कि जूलियट जो है वो कैपुलेट फैमिली की लड़की है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट, जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनमें से बहुत एक अच्छा प्ले है द टेम्पेस्ट, और वो उनका लास्ट प्ले भी है, तो वो किस इंसिडेंट के बाद उसे लिखने के लिए इंस्पायर हुए थे। ये TGT 2003 का क्वेश्चन है फ्रेंड। सिंकिंग ऑफ ए शिप, एक शिप के सिंक होने की घटना के बाद, द डिफीट ऑफ आर्मडा, आर्मडा की डिफीट के बाद, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, ऐसे शिप से जो सेलर्स वापस आ रहे थे जो कि डिसअपियर हो गया था, नन ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, द आइडिया ऑफ राइटिंग अ प्ले द टेम्पेस्ट केम टू शेक्सपियर बाय द अराइवल ऑफ सम सेलर्स सेफली होम हु वर थॉट डेड आफ्टर बींग शिपरेक्ट, एक शिपरेक्ट की घटना हुई थी, जो कि शिप था वो गुम हो गया था और उसके जो सेलर्स थे वो नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो बाद में सेफली वापस रिटर्न हो जाते हैं, तो इस घटना से प्रेरित होकर शेक्सपियर जो है अपना द टेम्पेस्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की डेथ का ईयर क्या है, 1624, बी इज 1616, 1611 और 1610। सो ऑप्शन बी इज राइट ईयर, 1616 इज द डेथ ईयर ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन, शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस कब प्रोड्यूस किया गया था, 1597, बी इज 1598, 1599, 1596। सो ऑप्शन बी इज राइट ईयर, 1598 इज द राइट आंसर। शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज रजिस्टर्ड इन टू स्टेशनर्स रजिस्टर ऑन 22 जुलाई 1598 एंड द फर्स्ट क्वार्टो एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ कैरियोलेनस इज, ये वेल नोन क्वेश्चन है, कैरियोलेनस के राइटर कौन थे, तो विलियम शेक्सपियर इज द राइटर ऑफ कैरियोलेनस। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बाकी जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे पहले जो है कौन बोर्न हुए थे, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गार्ल्सवर्दी और विलियम वर्ड्सवर्थ। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, विलियम शेक्सपियर बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इनकी डेट ऑफ बर्थ सबकी दी गई है यहाँ पर, विलियम शेक्सपियर 1564, जॉन मिल्टन 1608, जॉन गार्ल्सवर्दी 1867, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज यूज बाई शेक्सपियर इज इन हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट इज पोएटिक वर्स, प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज, ड्रामेटिक वर्स। तो इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर के ड्रामा में सबसे ज़्यादा जो है लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो कौन सी थी, वो किस में थी, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका किस में था, तो ब्लैंक वर्स में था। नॉट ए सिंगल प्ले बाई शेक्सपियर इज कम्प्लीटली इन प्रोज, कम्प्लीटली इन वर्स, बट इज मिंगलिंग ऑफ बोथ, मेजर पार्ट ऑफ हिज प्लेज आर इन ब्लैंक वर्स। उनके जो प्लेज थे वो मोस्टली ना तो पूरे प्रोज में थे ना ही पूरे वर्स में थे, और मोस्टली पार्ट उनका जो था वो ब्लैंक वर्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शो री इनेक्शन ऑफ, शेक्सपियर के जो 1 से लेकर 126 तक के सोनेट्स थे वो क्या शो करते थे, जनरल फिलोसफी ऑफ लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पर्सन, ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद अ डार्क लेडी। ऑप्शन सी इज राइट हियर, शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स एट ऑल, आउट ऑफ 154 126 वर एड्रेस्ड टू मिस्टर डब्ल्यू एच अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हु वॉज हिज फ्रेंड एंड पेट्रोन, हिज सोनेट्स आर ओनली डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन लाइफ। उनके जो सोनेट्स थे वो उनकी ओन लाइफ को एक्सप्रेस करते थे, और 121 से लेकर 126 तक के जो सोनेट्स थे वो उनके फ्रेंड, उनके पेट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमेडी ऑफ एरर इज एन अडेप्टेशन ऑफ ए लेटिन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स एक लेटिन कॉमेडी का अडेप्टेशन था, वो कौन सी कॉमेडी थी, नोवम ऑर्गेनम, ऑप्शन बी इज फिलोस्ट्रेटो, ऑप्शन सी इज कर्सर मुंडी, ऑप्शन डी इज मिनोकमी। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज ए फार्स विद मच इन्वॉल्व प्लॉट मॉडल्ड ऑन
Pluto. He supplies less fastidious appetites with the farce, which was a first adaptation of Menechemy of Pluto. Pluto की Menechemy से ये जो comedy of errors है इसको source बनाया गया था. Next question is, Shakespeare dedicated his youthful poem Venus and Adonis and Lucrece to. Venus and Adonis और Rape of Lucrece इन्होंने किसको dedicate की थी? The Earl of Southampton, the Earl of Surrey, the Earl of Saxony. Option B is right here. The Earl of Southampton is the right answer. Shakespeare dedicated his poems Venus and Adonis and Lucrece along with his first 126 sonnets to Earl of Southampton. इन्होंने अपनी दोनों poems और 1 से लेकर 126 तक के जो sonnets थे वो Mr. W.H. को ही dedicate किए थे जो कि Earl of Southampton थे. अभी हमने ऊपर question में ये पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन. जूलियस सीजर इनमें से किसके किस में आता है कैटेगरी वाइज? द कॉमेडीज एंड हिस्ट्री, द कॉमेडीज एंड ट्रेजडीज, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज, द ट्रेजडीज एंड रोमांसेस. ऑप्शन सी इज राइट हियर. जूलियस सीजर जो है हिस्ट्री और ट्रेजडी के बीच में पड़ता है. वो पूरा हिस्ट्री पर बेस्ड था और उसमें ट्रेजडी भी देखने को मिलती है, इसीलिए वो हिस्ट्री और ट्रेजडी दोनों में आता है. Julius Caesar was a great Roman emperor. Shakespeare borrowed the plot of Julius Caesar mainly from North's translation of Plutarch's Life. Mostly North की translation जो थी Plutarch's Life वहाँ से इनको source लिया है इन्होंने Julius Caesar का. Brutus and Antony. Thus it has both elements of history and tragedy. इसीलिए इसमें दोनों के elements मिलते हैं, history के भी और tragedy के भी. Next question is, William Shakespeare was the third child of Joseph Shakespeare and Mary John, William Shakespeare and Mary Auden, John Shakespeare and Mary Auden, Jake Shakespeare and Mary Auden. तो इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टफोर्ड ऑन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न. वेयर इट इज लोकेटेड? स्टार्टफोर्ड ऑन एवन कहाँ पर था? ऑप्शन ए इज वार्विकशायर, बी इज लंडन, सी इज ससेक्स एंड डी इज एडिनबर्ग. ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्टार्टफोर्ड ऑन एवन, ए चार्मिंग लिटिल विलेज इन ब्यूटिफुल वार्विकशायर, ऑन अप्रैल 23, 1564 एंड बैप्टाइज्ड ऑन अप्रैल 26. तो ये वार्विकशायर में पड़ता है, एक स्मॉल विलेज है जहाँ पर विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था. शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेस, चूज द राइट वन ऑफ द फॉलोइंग. द अरेबियन नाइट्स, होलिनशेड क्रॉनिकल, बियोवुल्फ एंड द आर्थरियन लीजेंड्स. तो शेक्सपियर ने मोस्टली अपने प्लेस का जो सोर्स बनाया है वो कहाँ से बनाया है मोस्टली? तो ऑप्शन बी इज राइट हियर. होलिनशेड क्रॉनिकल से इन्होंने अपने हिस्ट्री प्लेस को लिया है. मेजर सोर्स यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर फॉर ए नंबर ऑफ हिज प्लेस सच एज हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, सिम्बेलिन. सॉरी, हिस्ट्री प्लेस के लिए नहीं, इन्होंने मोस्टली जो दूसरे प्लेस थे ट्रेजडी थी उनके लिए भी होलिनशेड क्रॉनिकल को यहाँ पर सोर्स बनाया है, जैसे हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड सिम्बेलिन. Which of the following plays does not belong to the group of four great tragedies of Shakespeare? King Lear आता है, Othello आता है, Hamlet आता है. Twelfth Night is not a four great tragedy. Twelfth Night four great tragedies में नहीं आता है, ये comedy series में आता है. Shakespeare's play Hamlet is influenced by. Hamlet के जो tragedy है वो किस से influence थी? Option number A is Marlowe, B is Kidd, C is Peel, D is Nash. The play Hamlet is influenced by Thomas Kidd. Your Hamlet is. It was acted in 1594 by Lord Admiral's Man and Lord Chamberlain's Man. तो ये जो इनका प्ले है हेमलेट, ये थॉमस किड के प्ले से लिया गया है, इंस्पायर्ड है. द नेम ऑफ प्रोस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज. टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की बेटी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज डेस्टिमोना, बी इज कॉर्डेलिया, सी इज मिरांडा एंड डी इज ओलिविया. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर. मिरांडा इज द नेम ऑफ प्रोस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट. यहाँ पर देखिए कैरेक्टर टेम्पेस्ट के दिए गए हैं. एलोंजो किंग ऑफ नेपल्स थे, प्रोस्पेरो किंग ऑफ मिलान थे, ड्यूक ऑफ मिलान थे, फर्डिनेंड सन टू द किंग ऑफ नेपल्स. फर्डिनेंड जो थे एलोंजो के बेटे थे. मिरांडा डॉटर टू प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो की बेटी थी. वेयर इज ओलिविया? इज इन ट्वेल्थ नाइट. ओलिविया जो थी वो ट्वेल्थ नाइट से है, डेस्डेमोना ओथेलो से और कॉर्डिलिया किंग लियर से है. नेक्स्ट,
द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज जेलसी, ग्रीड, रिवेंज एंड एम्बिशन. ये सभी को पता है कि उसको किंग बनने की जो एम्बिशन थी वो ही उसका एक ग्रेट डोमिनेटिंग पैशन था. यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट. ट्वेल्थ नाइट ओलिविया, इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद. ओलिविया किसके साथ यहाँ पर ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद, किसे वो पसंद करती थी? ऑप्शन नंबर ए इज मेलबोलियो, ऑप्शन नंबर बी इज ड्यूक ऑर्सिनो, ऑप्शन नंबर सी इज क्लोन, ऑप्शन नंबर डी इज वायला डिस्ग्विस्ट एज सिजेरियो. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर. जो ओलिविया थी वो वायला को पसंद करती थी जो कि डिस्ग्विस्ट थी, वेश बदलकर सिजेरियो बनी हुई थी ड्यूक ऑर्सिनो के एक पेज बॉय के रूप में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाइलोक इज अ कैरेक्टर इन, शाइलोक एक कैरेक्टर है वो किस प्ले में आपको देखने को मिलता है? सो शाइलोक इज अ कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस. कितने पुअर होते हैं वो लोग जिनके पास पेशेंस नहीं होता है. वाट वाउंड डिड नेवर हील बट डिग्रीज, वाट वाउंड डिड एवर हील बाय बट डिग्रीज. तो ये कहाँ से लिया गया है? ओथेलो, कैशियो, यागो, डेस्डेमोना. सॉरी, किसने इसको बोला है? ओथेलो से लिया गया है, लेकिन बोला किसने है? दिस इज सेड बाय यागो इन शेक्सपियर्स ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस 1604 एक्ट सेकंड सीन थर्ड. ये यागो के द्वारा लाइन बोली गई है एक्ट सेकंड सीन थर्ड में. नेक्स्ट इज शेक्सपियर रॉट 154 सोनेट्स, इट इज वेल नोन टू ऑल. कॉर्डिलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, कॉर्डिलिया अपने पिता की हेल्प करने के लिए आती है क्योंकि ही हैड गिवन हर द लॉयन शेयर ऑफ हिज किंगडम. क्या उन्होंने अपने किंगडम का बड़ा हिस्सा उसको दिया था? ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन किंगडम, उन्होंने अपने किंगडम से उसे डिप्राइव कर दिया था, बाहर निकाल दिया था आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम. अपने पिता को एक सच्चे प्यार के उसमें आकर कि मैं अपने पिता से सच्चा प्यार करती हूँ, इसीलिए वो अपने पिता के पास आई थी. शी हेटेड हर एल्डर सिस्टर, क्या वो अपनी एल्डर सिस्टर से हेट करती थी इसीलिए आई थी? सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, सी लव हर फादर जेन्युइनली. कॉर्डिलिया इज ए फिक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले किंग लियर, ये किंग लियर से थी. कॉर्डिलिया वॉज ऑलवेज लियर्स फेवरेट डॉटर, वो हमेशा अपने पिता की फेवरेट डॉटर रही है. शी केम टू हेल्प हर फादर आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, वो अपने पिता की हेल्प करने इसलिए आती थी कि वो जेन्युइनली अपने पिता से प्यार करती थी. दो शी वॉज बैनिस्ड, लेकिन उसको निकाल दिया गया था बाय हर फादर ऑफ फॉर रिफ्यूजिंग एन ऑफर फ्रॉम हिम टू प्रोफेस हर लव टू हिम इन रिटर्न फॉर 1/3 ऑफ लैंड, क्योंकि उसके पिता ने बोला था कि वो राज्य का हिस्सा उसे तभी मिलेगा जब वो एक्सप्लेन करे कि वो अपने पिता से कितना प्यार करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैग्निटी, कि किसको मोटिवलेस मैग्निटी यहाँ पर कहा गया है? मैकबेथ, ओथेलो, यागो, पोलोनियस. यागो हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैग्निटी बाई एस टी कॉलरेज. यागो विलन ऑफ विलियम्स is initially portrayed as very jealous, spiteful man. Iago appears in Shakespeare's Othello. तो motiveless malignity ST Coleridge ने किसको बोला था? Iago को बोला था. So friends, 327 questions complete हो गए हैं. Video ज़्यादा lengthy हो जाएगी, इतना ज़्यादा मैं complete नहीं कर पाऊँगी. बाकी complete करते हैं next video में. तब तक के लिए thank you so much.